बड़ा बदल गया था। मेरा दिन तो रोज ही अच्छा होता है, मेरे दिन बड़े अच्छे चल रहे बेटा। आई एम सो हैप्पी, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ बेटा, तू क्या कर रहा है? समझ आया। हाँ तो फिर समझ में आ गई बात, इतने पढ़े लिखे हो तो फिर पूछते हो क्या कर रहे हो, ये पहले देख लेना चाहिए। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई तो बस ठीक ही है। अच्छा अच्छा, अब तो 12वीं पास कर ली मैंने। यार लड्डू बांटो, तूने अभी तक लड्डू नहीं बांटे। 12वीं जमात मेरा बेटा 12वीं जमात पास होके आ गया, पप्पू पास होके। पापा आज ही रिजल्ट आया है दोपहर में। दोपहर में आया तो शाम तक मुझे क्यों नहीं बता रहे? दोपहर को बताना चाहिए। तो पापा पास हो गया, दोस्तों ने थोड़ा पार्टी वार्टी करनी, वैसे आ रहा हूँ उसमें अभी लगा के आया थोड़ा। कितनी? एक ही बियर बस? नहीं नहीं, दो तो लगी है। अब तो फिर अब मुर्गा शुर्गा खाओ। वो ठीक है, कुछ मैं कुछ सोच रहा था अपने बारे में। तो जाओ अपने बारे में सोचना, तो अपने कमरे में जाके सोचो। यहाँ पे तो सिर्फ मेरे बारे में जो सोचे वो मेरे पास आए, मेरे पास वो टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचो। तो जाके बात वो नहीं है बाबा। हाँ मैं कुछ सोचता हूँ, उसमें आप लोग भी तो होते हैं। मैं क्या, मैं कुछ सोचता हूँ उसमें आप लोग भी तो हैं। आप लोग कौन कौन? पूरी फैमिली, आप मम्मी पापा। आप मम्मी और पापा, मतलब और भी कुछ बोला है पापा? आप कोई और है? आप मम्मी पापा। मम्मी पापा बोल रहा है, आप मम्मी पापा भाई, आप और मम्मी हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग मम्मी पापा, मतलब दोनों लोग। वो मैं क्या सोच रहा था पापा कि 12वीं जमात काफी नहीं है तुम्हारे लैंग्वेज सुधारने के लिए, अभी थोड़ा और पढ़ के अपनी लैंग्वेज को दुरुस्त करो। आप और मम्मी, बस इधर फुल स्टॉप मारो ना, आप मम्मी पापा। मुझे लगा कि मैं तो कुछ और हूँ और मम्मी के साथ कोई और पापा है। लिमिट है यार तेरे बात करने की स्टाइल की, मेरे को पसंद नहीं आई। वो बात क्या है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रिजल्ट आ गया और जाके काम कर। तो मैंने पहले से सोचा हुआ है, बात भी की हुई है मैंने। हाँ किससे? दिल्ली में सर है एक गुरु जी हैं जो मुझे आगे की ट्रेनिंग देंगे बॉक्सिंग की। फिर तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। पढ़ाई तो होगी पूरी, 12th पास कर लिया, 52%। तो बस इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हारे जीवन का, सारे एम्बिशन पढ़ाई के खत्म हो गए सर। अब आपको तो पता ही, कैसे पास किया मैंने 12th क्लास, कैसे पास किया, कितनी मुश्किल से पास किया, इतनी तभी तो इतनी पार्टी की मैंने बिना बताया आपको। मुश्किल से पास किया तो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं की? प्रोग्राम तो खेलता रहता था। नकल मार के तो नहीं, नकल तो नहीं मारी बट रट्टा मारा बहुत ज्यादा। रटन विद्या घटन विद्या, वो कभी काम नहीं आएगी रटन विद्या। हाँ वही मैं सोच रहा था ना कि मैं दिल्ली जाता हूँ, पढ़ाई तो हो गई ठीक है, पढ़ाई तो इतना कोई जरूरी नहीं है, बट मेरा जो ड्रीम है, जो मुझे मैं चाहता हूँ खेलना बॉक्सिंग, तो उसको मैं पर्सन बनना चाहता हूँ आगे। पढ़ाई तो बॉक्सिंग खेलना चाहता है कि बॉक्सिंग करना चाहता है? आई वांट टू पर्सन माई ड्रीम पापा। व्हाट इज योर ड्रीम? टू बी अ बॉक्सर। तुम अपने शरीर का हाथ तो देखो, ये तो बॉक्सर की औकात लग रही है। और बॉक्सिंग करता हूँ। औकात.com देखी है तुमने? और बॉक्सिंग करता हूँ, पता है बातें। क्या क्या पता है? अरे चैंपियनशिप जीती हुई है। कितनी? स्टेट लेवल की। और पिटे कितने से वो बताओ? बॉक्सिंग में मारेंगे और लगता भी है, मारते भी है, जीतते भी है। बॉक्सर वो होता है जो पिटे नहीं, वो खाली पीट के आए। नहीं बाबा, आपको क्या पता बॉक्सिंग क्या होती है? ना मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर कैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जीता हूँ, मैं चाहता हूँ। अल्लाह का गेम। अब बात सुनो ध्यान से, निरक्षरता को सरकार दूर करना चाह रही है और तुम निरक्षर बनना चाह रहे हो। पापा निरक्षर नहीं हूं मैं, 12वीं पास की है मैंने। वो निरक्षरता है आज के जमाने में, तेरे को एक मोची की नौकरी नहीं मिल सकती आज के लिए। मुझे नौकरी करनी नहीं है ना। तो फिर उस लायक होना चाहिए आदमी को। विद्या का मतलब होता है उस लायक हो, जहां खड़े हो तुम्हारी विद्या तुमको काम में आए, और तुम्हारी 12वीं किसी काम की नहीं है। और बॉक्सिंग में मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बॉक्सिंग में बॉक्सिंग करनी है। बॉक्सिंग कितने दिन काम आएगी? रोटी नहीं खिलाएगी बॉक्सिंग? रोटी नहीं खिलाती है पहले ये समझ लो। खिलाएगी वो? कैसे खिलाएगी?
एक दिन में बहुत बड़ा बॉक्सर बनूंगा एक दिन ना कैसे होंगे वो जब बाबा मरेंगे फिर बटेंगे ना फिर कुछ करना भी तो पड़ता है बाबा मरेंगे फिर पेट बटेंगे आप नहीं समझता मैं नहीं समझता स्पोर्ट्स पर्सन हूं मैं इसमें आप मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं एक लेवल पहुंचते हैं मेरी बात ध्यान से सुन तुम पहले एमबीए करो अपनी पढ़ाई लिखाई उस लेवल तक अच्छा सुनो मेरे एक बात बताओ तुम पढ़ाई करते करते शाम को जाके झूठा 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 करते हो मैंने तुम्हें कभी रोका और एक मैं अभी छोटा था उस टाइम तक अभी छोटा ही चल रहा खड़ा होकर देखो जरा गेम का लेवल तो छोटा हूँ अभी मैं गेम के लेवल में मैं बोला चौड़ाई लंबाई में अभी नहीं नहीं वो नहीं बाबा चौड़ाइया तो पूरी हो गई है पूरी और लंबाइया लंबाइया पूरी है तो फिर और क्या चाहिए पढ़ो लिखो मुझे आगे परसू करना है मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कहा ना कह रहा हूँ तू शाम को पढ़ाई करने के बाद तेरे पास 8 घंटे होते हैं फ्री फंड के समझ गए अब ऐसे नहीं बॉक्सिंग यहाँ पे पहले यहाँ के चैंपियन बनो सर्वश्रेष्ठ यहाँ लखनऊ में बनो सर्वश्रेष्ठ बनने के बाद फिर दिल्ली में जाओ तो फिर वहां पे यहाँ पे जो सूट है वहां में सीख लिया वाई एम सी ए दिल्ली में वहां पे बहुत बेहतर है इस इंस्टीट्यूट की पराकाष्ठा हो गई है ऐसा पापा समझ नहीं रहे मेरी बात इसके इसका जो कोच है उसको पीट लोगे ये क्या बात है पापा तो यही तो बात है पहले बात समझनी चाहिए कि नहीं मेरी बात समझो पहले समझो यहाँ के कोच को हरा के दिखाओ ये अजीबोगरीब बात ठीक है कोच को क्यों हरा वो सिखाता है हमें प्लेयर को हराया मैंने प्लेयर को हराए हो कोच को हरा कोच तो मर जाएगा मैं कैसे मर जाएगा इज एन ओल्ड मैन अच्छा ओल्ड में फिर सीख रहे हो फिर तुम क्या सीखो जाओ तुम्हारा पापा कोच तो कुछ भी उसकी उम्र उसका तजुर्बा होता है कोच का बेटा देखो तुम अभी तक कितने दंड लगा लेते हो अब काउंट नहीं किया बट आई एम अ फिट पर्सन अरे आई कैन सी योर फिटनेस पापा कभी रिंग में आ गए थे ना यस वॉचिंग आउट आप कभी रिंग में आ गए थे ना अभी सुनो मेरी बात नकल डिप्स लगा लेते हो नकल डिप्स क्या है ये इसको लोहा बनाने के लिए नकल डिप्स लगाने पड़ते हैं आपने मेरे सर्टिफिकेट ही देखे अरे सर्टिफिकेट से क्या होता है मैंने मैसेज नहीं देगा आप कैसी बात कर रहे हैं अब मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा हाँ तो बिल्कुल ये क्या तू अच्छा दंड लगा के दिखा मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं आपसे ये पूछने आया था कि मेरे को आगे बॉक्सिंग सीखनी है प्लीज अलाउ मी और प्रोवाइड मी द रिसोर्स और कोई बात नहीं पापा बेटा तुम्हें आगे जाके पढ़ना है पढ़ाई पढ़ के मैं क्या करूंगा पढ़ के बॉक्सिंग में पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है मुझे गेम खेलना है क्या फायदा हुआ उसका अरे पर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ बॉक्सर एमबीए करके क्या करेगा अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप क्यों तू सारी जिंदगी कितने साल तक तू बॉक्सर बना रहेगा और मैं बॉक्सिंग करूंगा बॉक्सिंग की मियाद एक मिनट बता बॉक्सिंग की मियाद कहाँ है कितने साल तक बॉक्सर बना रह सकता आदमी 30-35 तक बन रह सकता हूँ बस ना उसके बाद फिर 25 का हो गया 10 साल का करियर है ना आफ्टर दैट क्या बस सचिन तेंदुलकर कुछ भी नहीं है कुछ कर सकता है वो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन तेंदुलकर 11 साल की उम्र में खेलने गया था और 16 उम्र से पहले वो भारत की टीम में था सचिन तेंदुलकर का नाम दोबारा अपने साथ जोड़ना मत वो संसार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है That is why he is my inspiration. He is your inspiration at wrong age. As a sports person. हाँ तो अभी तक तुमने 25 के हो गए हाँ तो अभी तुम 12वीं जमात बड़ी मुश्किल से 25 साल की उम्र में निकले हो तुम मेरे को 2 साल रास्ते में कितनी बाउंड्रियां लगाई बाबा मेरी बात सुनिए वहां पे 2 साल की ट्रेनिंग है ठीक है वो मैं करना चाहता हूँ उससे मेरे को काफी चीजें मतलब मैं बहुत ऑल इंडिया लेवल से लोग पहुंचते हैं वहां पे अच्छा ठीक है जा रहा हूँ 2 मिनट ट्रेनिंग बस हो गया थैंक यू पापा 2 लाख रुपए के आसपास लगेंगे तो 2 लाख तो तुमको पहले बोलना चाहिए कि 2 लाख दे दो मतलब फ्री में थोड़ा होगा कुछ भी वहाँ पे फ्री में कुछ होता है तो पानी नहीं मिलता फ्री में एक काम करो क्योंकि तुम 12वीं जमात पढ़ चुके हो इतने में तुम कमा भी सकते हो बॉक्सर भी हो थोड़ी ट्रेनिंग दो लोगों को 2 लाख रुपए कमाओ वही आम जो हमारे देश के अंदर ना आम पेरेंट्स वाली बात कर रहे हैं आम पेरेंट्स ही हूँ मैं बेटा कुछ भी हो लेकिन तुम मैथ साइंस पढ़ ले इंजीनियर बन जा मैं आम पेरेंट्स हूँ मैं सीताफल पेरेंट्स नहीं हूँ आजकल वही बात है आजकल इसमें फिल्में बन रही हैं आजकल इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो बच्चा जो करना चाहता है वो करने दो लेकिन नहीं यहाँ तो ईगो है नहीं ये बन वो बन ये तो मैंने कब कहा कि तू मत कर अब तू जा कर भी करा रहा अब तू कह रहे हो जा भी एमबी मत कर तू बीए मत कर तू 13वीं जमात मत कर जा तू बॉक्सिंग कर मैंने किधर नॉक किया मैं पैसे खुद कमाऊं उसके लिए हां तो ये क्या तरीका होगा तो फिर मैं तो नहीं डालने वाला है जिस काम में अंधकार हो मुझे मालूम है
इसका अंधकार है अंधकार तो पापा जीवन में ही है, कल का क्या पता। हाँ तो फिर उसकी तो इतनी बार बोल रहा हूँ कि कल के पता पहले ढूंढ लो फिर बाद में काम करो। पापा प्लीज 2 लाख रूपये लगेंगे प्लीज दे दीजिए, ठीक है, और मैं 2 साल करता हूँ, 2 साल मुझे प्लीज करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे को जवाब देता हूँ, खुश है। थैंक यू सो मच पापा। अब और तो नहीं कुछ मांगे? नहीं बस, इसके बाद तूने जो कुछ करना अपने आप कमा दे। हाँ, उसके बाद मैं खुद करूंगा, स्वयं जाओ। थैंक यू सो मच पापा। 2 लाख रूपये तेरे को ड्राफ्ट उस कंपनी के नाम पर चाहिए जो कैश दे दे, कैश तो रास्ते में जुड़ जाएगा, मेरे अकाउंट में डाल, अकाउंट में डाल दूंगा नहीं, उसके उसके नाम पे ये बैंक करनी पड़ती है, नेट बैंकिंग के थ्रू उनको, उनकी फीस कितनी है? 1 लाख रूपये आसपास फीस है, और बाकी कहाँ पे काम आ रही है? कहाँ रहना है, हॉस्टल खर्चे हैं, मेरे इतने खर्चे हैं, चलो जाओ, बॉक्सिंग किट्स हैं, ठीक है पापा, जाओ जाओ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। इस तरह बोलते हैं पाप को, इस तरह थैंक्स बोलते हैं मैं पापा। थैंक यू पापा। मार तो खा नहीं पा रहे यार तू, तेरा क्या दर्द, देखो तेरा पट्टे स्ट्रांग हुए हैं तेरे, बॉक्सर हो नहीं, पोकल है, पोकल है, पोकल है। थैंक यू सो मच।